एंड गाइस इस साइड देखो, हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति है और सीने के अंदर से चीर के दिखाते हैं ना राम जी सीता जी का, तो वैसे यहाँ पे बनाया गया है। आ जाओ दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने, हनुमान जी, जय बजरंग बली। सो गाइज, अभी मैंने ये सोचा है कि मैं पहले ये परमार्थ जो इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको दिखा दूं और उसके बाद मैं आगे निकलूँगा खाने के लिए, क्योंकि उसी रास्ते से मुझे होके नीलकंठ भी जाना है। और ये देखिए परमार्थ निकेतन है, ये एक टाइप का पता नहीं क्या बता रहे थे लोग, ये कहीं से भी मेरा मतलब मेरा कहना नहीं मान रहा। ये देखिए भैया, ये परमार्थ निकेतन है क्या चीज, मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे? ये धर्मशाला है। धर्मशाला है, अच्छा जी। तो ये बताओ मेरे को, खाने वाने का सिस्टम मिलता है अंदर? हाँ, अंदर कैंटीन है। कैंटीन है तो खाना वाना कैसे मिलता है? थाली वाली भाई खाना, ये तो पता नहीं, ये तो नहीं पता है। किधर कैंटीन है? ये इधर सीधे जाओगे ना, यहाँ कैंटीन है तो सस्ता खाना मिलेगा। बाहर से महंगा मिलेगा, बाहर से महंगा मिलेगा। ओके चलो कोई नहीं। ये देखो भाई साहब, इधर तो भाई साहब अब यहाँ से हम लोग एग्जिट ले रहे हैं। चलो, और कुछ, ये एक टाइप का आश्रम है जैसा भैया ने बताया, परमार्थ निकेतन आश्रम है और योगा वगैरह यहाँ पे देखो, जो जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं सब इस पे पोस्टर पे लगाई गई हैं। ये देखो चलो, अब यहाँ से मैं एग्ज़िट लेता हूँ, मे भी हो सके इधर ही शायद एग्ज़िट हो। अगर कुछ छूट गया हो तो यार मैं फिर दोबारा अगर आऊँगा तो उसको मतलब कवर करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फ़ोन भी मेरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब बंद पड़ गया कि मैं इसके बारे में कुछ पढ़ पाऊँ देख पाऊँ। तो जितना मुझे मतलब दिख रहा है उतना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये बताओ मुझे, नीलकंठ वाला रास्ता है ये वाला? ठीक है, थैंक यू। तो आश्रम से होते हुए मैं बाहर निकल गया हूँ और ये वाला जो रास्ता है ये सीधा निकल जाएगा, आगे से मुझे लेफ़्ट जाना है नीलकंठ के लिए। तो ऐसे ही मैं पैदल जा रहा हूँ और आगे रास्ते में देखूँगा, अगर कुछ खाने को मिलेगा तो खा लूँगा यार, भूख लगी है। ऊपर ट्रैकिंग 15 किलोमीटर की है, चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो देखते हैं क्या होता है आज।
तो भाई साहब अभी हम आ गए इस खूबसूरत सी लोकेशन पे, ये एक टाइप का आश्रम है और यहाँ पे मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, भूख लगी थी काफ़ी ज़ोर से। तो परमार्थ निकेतन वाले में भी मतलब मुझे मिल जाता, बट वहाँ से मैं आ गया हूँ क्योंकि काफ़ी दूर वहाँ से निकल चुका था और वहीं के पास में एक भूतनाथ टेम्पल है, तो अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ भी जाने के लिए, भूतनाथ टेम्पल भी घूमने के लिए। पर पहले यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं। हम थाली मैंने ऑर्डर किया है, मुझे पड़ा है अराउंड 90 रुपये का एक थाली, 4 रोटी चावल सब्जी और 3 टाइप की सब्जी, वो थाली आप लोग देख लेना। तो ये मैं यहाँ पर रुका, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोन यहाँ पर चार्ज में लगाए हैं। बाकी ये कुछ आश्रम में छोटा सा भोजनालय है। चलो फिर खाना खा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे हम भूतनाथ टेम्पल के लिए।